नमस्ते, मैं हूं पायल रोहतगी और आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूं राहुल गांधी के एक डायलॉग के ऊपर जो काफ़ी शॉकिंग था, बट साथ साथ में इट वाज वेरी सैटिस्फाइंग टू नो दैट जो उनके हार्ट में है वो उन्होंने क्लियरली इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे एक फॉरेन इस्लामिक कंट्री में बोल दिया. Once and for all, it is out there for everybody to hear it and understand what does Congress party actually mean by calling itself secular. Rahul Gandhi ji ne Dubai mein apni press conference mein kaha ki Mahatma Gandhi jo hamare desh India ke father of the nation hai, unki jo non-violence ki teachings thi wo inspire hui thi by ancient Indian philosophy that is called Islam. जी हाँ, उन्होंने एक्चुअली ये स्टेटमेंट किया है दुबई में, जो एक इस्लामिक कंट्री है. मुझे नहीं पता उन्होंने ये स्टेटमेंट किस बेसिस पे किया है, बिकॉज ये स्टेटमेंट आया था गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती के दिन, लोहड़ी के दिन, जिस दिन हम सबको पता है कि गुरु गोबिंद सिंह के बच्चों को किस तरह से दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था बाय मुगल रूलर्स, जब वो बच्चों ने इस्लाम में कन्वर्ट होने से मना कर दिया था. हम सबको इस बात का पता आज ये भी है कि गुरु तेग बहादुर, गुरु गोबिंद सिंह के फादर, को सरेआम बीहेड कर दिया गया था बाय मुगल रूलर्स जब वो हिंदूज को बचाने के लिए गए थे, द कश्मीरी पंडित्स. तो हम सबको पता है कि कौन से रिलीजन में फोर्स्ड कन्वर्जन होती हुई आ रही है इतिहास में, बट वो बात को आई थिंक कम्प्लीटली डिस्टॉर्ट करके राहुल गांधी आज के टाइम पे इस्लामिक दुबई में जाके कहते हैं कि महात्मा गांधी, जिनका गांधी सरनेम ये पूरे परिवार ने अडॉप्ट किया है क्योंकि इंदिरा नेहरू की शादी हुई थी फिरोज खान से, मगर वो खान सरनेम लोगों को ये नहीं बताना चाहते थे, इसलिए फिरोज खान गॉट कन्वर्टेड इनटू फिरोज गांधी, द अडॉप्टेड सन ऑफ महात्मा गांधी, एंड वी नो द कांग्रेस पार्टी एज द पार्टी विद सरनेम गांधी, थिंकिंग दैट दे आर हिंदूज. बट नहीं, आज उन्होंने ऑब्वियसली ऑन एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म इन दुबई कह दिया है कि महात्मा गांधी की नॉन वायलेंट की टीचिंग्स इंस्पायर्ड होती है एंशियंट इंडियन फिलोसफी इस्लाम से. दैट शोज कि वो किस हद तक जा सकते हैं झूठ बोलने के लिए, वोट पाने के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इस्लाम एंशियंट इंडियन फिलोसफी है तो बाबर जैसे मुगल रूलर ने इंडिया में आके इन्वेजन क्यों किया? अगर वो हिंदुस्तान के ही थे तो उनको हिंदुस्तान को इन्वेड करने की ज़रूरत नहीं थी, हिंदुस्तान की ज़मीन पे कब्ज़ा पाने की उनको ज़रूरत नहीं थी अगर वो हिंदुस्तान के ही राजा होते. वो ऑब्वियसली हिंदुस्तान के राजा नहीं थे, इसलिए हिंदुस्तान को पाने के लिए, हिंदुस्तान की ज़मीन पे कब्ज़ा पाने के लिए उन्होंने इन्वेजन करी और इस प्रोसेस में बाबरी मस्जिद बनाया राम जन्मभूमि पर, जो लैंड है अयोध्या में ऑफ बर्थ ऑफ लॉर्ड राम, जो हिंदू के भगवान है. सो दिस शोज कि आज तक कांग्रेस जो हिंदू होने का नकाब पहन के बैठी थी ऑब्वियसली टू टारगेट दैट हिंदू वोट, जो अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण कह रहे थे या शिव भक्त कह रहे थे, वो इस्लामिक दुबई में जाके ये कह रहे हैं कि गांधी जी की नॉन वायलेंस की टीचिंग इंस्पायर होती है इस्लाम से, जो रिलीजन वर्ल्ड फेमस है फॉर फोर्स्ड कन्वर्जन एंड इंटरनेशनल वायलेंस. सो दिस इज कांग्रेस फॉर यू गाइस. एंड इसके बाद भी अगर कोई हिंदू कांग्रेस को वोट करता है तो आई थिंक वो अपना सर्वनाश खुद कर रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन एक्शंस. एंड ना मैं या बीजेपी या नरेंद्र मोदी या हुएवर कैन सेव यू गाइस. हिंदूज, यू आर क्रूसिफाइंग योर सेल्फ. ये डायलॉग सुनने के बाद भी अगर आप राहुल गांधी या कांग्रेस को वोट करते हैं, ठीक है. इसके अलावा मैं क्या कहना चाहती हूं, इसके अलावा मैं बात करना चाहती हूं अबाउट सिटीजन अमेंडमेंट बिल. सिटीजन अमेंडमेंट बिल को कांग्रेस पास नहीं कर रही है ये कह के कि वो डिस्क्रिमिनेटरी बिल है, क्योंकि यहां पे उन लोगों को कंसिडर किया जा रहा है जो रिलीजियस पर्सिक्यूशन फेस कर रहे हैं, मगर जो लोग सोशल एंड पोलिटिकल पर्सिक्यूशन फेस कर रहे हैं उनको इस बिल में कंसिडर नहीं किया जा रहा.
इसलिए वो ये बिल को फेवर नहीं कर रहे। उनका ऑब्वियसली निशाना है टू रोहिंग्या ना मुस्लिम्स, वो चाहते हैं कि सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप ऑफिशियली दी जाए रोहिंग्या ना मुस्लिम्स को जो म्यांमार से धकेले जा रहे हैं, और वी कैन कॉल दैट म्यांमार इज डूइंग एथनिक क्लेंजिंग ऑफ रोहिंग्या ना मुस्लिम्स फॉर रीजंस बेस्ट नोन टू देम, जिसके ऊपर मैं डिस्कशन बाद में करूंगी। मगर कांग्रेस सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये तीन मुस्लिम कंट्रीज के माइनॉरिटीज के लिए है, जो नॉन मुस्लिम है जैसे सिख, हिंदू, पारसी, क्रिश्चियंस भी, बुद्धिस्ट भी, उनको सिटीजनशिप देने के लिए ये बिल है, जो इंडिया में आते हैं टू टेक शेल्टर, बिकॉज ये लोग मुस्लिम कंट्रीज के माइनॉरिटीज हैं और इंडिया इज द ओनली नियरेस्ट सेक्युलर कंट्री फॉर देम टू टेक शेल्टर। इनको शेल्टर देने के लिए और सिटीजनशिप देने के लिए ये सिटीजन अमेंडमेंट बिल पास करने की गुंजाइश की जा रही है इन राज्यसभा, बट कांग्रेस इज अपोजिंग इट ऑन द बेसिस दैट दे आर, दिस बिल डज नॉट सपोर्ट पोलिटिकल एंड सोशल पर्सिक्यूशन, विच मीन्स दे वॉन्ट रोहिंग्या ना मुस्लिम्स टू ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन दिस बिल, जबकि रोहिंग्या ना मुस्लिम्स जिनको म्यांमार से धकेला जाता है उनके पास ऑप्शन है टू गो टू अ मुस्लिम कंट्री कॉल्ड बांग्लादेश, दे ऑल्सो हैव एन ऑप्शन इफ नॉट बांग्लादेश टू ट्रेवल लिटिल फार एंड गो टू पाकिस्तान और अफगानिस्तान, बिकॉज मुस्लिम्स आर गोइंग टू बी कंफर्टेबल इन अ मुस्लिम कंट्री जहां पे इस्लाम इज द ऑफिशियल रिलीजन, बट इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, यहां पे बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, बट कांग्रेस वॉन्ट्स दैट दीज रोहिंग्या मुस्लिम्स शुड कम इन सेक्युलर इंडिया इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द मुस्लिम कंट्रीज जो विसिनिटी में है, सो दैट द मुस्लिम पॉपुलेशन इंक्रीजेस इन सेक्युलर इंडिया, एंड उनका ड्रीम जो ऑब्वियसली वो इस्लामिक दुबई में जाके कहते हैं इतना बड़ा झूठ कि गांधी जी की नॉन वायलेंस की टीचिंग्स वर इंस्पायर्ड बाय द कल्चर ऑफ इस्लाम पूरा हो जाए एंड सेक्युलर इंडिया गेट्स कन्वर्टेड इन टू इस्लामिक इंडिया, दैट इज देयर बेसिक थॉट प्रोसेस, इसलिए वो अभी तक सिटीजन अमेंडमेंट बिल सपोर्ट नहीं कर रहे, विच शोज दैट कांग्रेस इज अ बायस्ड पार्टी, वो एक सेक्युलर पार्टी है नहीं, वो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी के बारे में बिल्कुल बॉदर नहीं करते, उनको इनके वेलबींग के बारे में कुछ लेना देना नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स के लिए काम करते हैं और आफ्टर दैट दे वर्क फॉर क्रिश्चियंस। It is as simple as that, और कोई बेवकूफ ही होगा जो इस बात को समझ नहीं पाएगा, ठीक है। अब let's see if the citizen amendment bill can pass in Rajya Sabha or not, because we are in a democratic country and we have to go by the books। चाहे राहुल गांधी जैसे leaders इंडिया की बुराई पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इंटरनेशनली करे या ना करे, बट वी एज इंडियंस हैव टू फॉलो द बुक्स। ये वहाँ पे जाके सुप्रीम कोर्ट की बुराई करते हैं और सुप्रीम कोर्ट की प्रशंसा तब करते हैं जब उनके हिसाब से जजमेंट्स होती है, मगर आज की तारीख में भी वो दुबई में जाके रफेल की बात कर रहे हैं। उनसे ज़्यादा मॉरली अनएथिकल आदमी मैंने नहीं देखा जो अपनी नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहा है इस्लामिक कंट्री दुबई में जाके, जस्ट टू गेट द वोट्स ऑफ द मुस्लिम्स आउट देयर हु ऑब्वियसली वांट दैट द बीजेपी गवर्नमेंट शुड नॉट कम इन टू पावर इन 2019। और ये बहुत बुरा होगा क्योंकि अगर बीजेपी इस बार पावर में नहीं आई तो हिंदूज हम खत्म है, हम सब जगह से खत्म है, देश छोड़िए आप आई थिंक अपने धर्म को भी फॉलो नहीं कर पाएंगे। सो थिंक बिफोर यू वोट दिस टाइम, क्योंकि राहुल गांधी जी ने क्लियरली दुबई जैसी इस्लामिक कंट्री में इतना बड़ा झूठ बोला है कि नॉन वायलेंस की टीचिंग्स जो महात्मा गांधी टीच करते थे वो इंस्पायर हुई है बाय द रिलीजन कॉल्ड एज इस्लाम। द बिगेस्ट लाई ऑन द फेस ऑफ द अर्थ इज दिस। सो दैट्स अबाउट इट। Think about it, and yes, please guys, use your brain. आप भेड़ बकरी नहीं है, आप इंसान हैं, आप अपनी बुद्धि से सोचिए और समझिए कि कांग्रेस वाकई में एक सही पार्टी है या कितनी नकली पार्टी है। नमस्ते।